आत्मा नमस्ते, मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। 22 मार्च से आ रहे हैं नवरात्रे और इस बार नवरात्रे कितने अद्भुत नक्षत्रों में हैं ये मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इस बार आपको पूरे ध्यान से पूजा करनी है और कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है ताकि आप इस अद्भुत अवसर का लाभ ले सके। कुछ आपके सवाल आए उन सबका भी जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। पहले आपको बता दूं इस अद्भुत नवरात्रे के अवसर पे मैं भी विशेष पूजा करूंगी, तो आप मुझसे जुड़ने के लिए सिर्फ अपना नाम और गोत्र कमेंट्स में मुझे लिखकर भेजें और लाभ लें। अच्छा एक बात बताइए कि जैसे आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आप उसकी कार कहाँ लगाओगे, उसकी गाड़ी कहाँ पार्क करवाओगे, आप ये इंतजाम करते हो ना घर के बाहर। तो इस बार शेरावाली माँ आपके घर आ रही है नौका पर, तो आप जब घट पूजा करेंगे तो वाहन आप एक मिट्टी के पात्र में रखेंगे, बहुत छोटा नहीं बहुत बड़ा नहीं, और उसमें आप पानी भर देंगे। एक छोटी सी खिलौने की आप नाव ले या हो सके तो चांदी की नाव और उसमें आप रख दें और माँ से प्रार्थना करें कि माँ आपके आने की पूरी तैयारी हमने कर ली है, आप हमारे घर आ जाओ और यहाँ विराजो। ऐसे माँ आपसे बहुत प्रसन्न होंगी और आपके घर जरूर विराजेंगी। आप 9 दिन बाद ये नाव जो है अपने कैश लॉकर में रखें, इससे माँ हमेशा आपकी झोली भरेगी। कुछ बातें और जो आपको ध्यान रखनी है वो बातें बता रही हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। माय चैनल डिवाइन सोल्स टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। पहले जो सवाल बहुत लोगों ने पूछा उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ, मेरी पूरी बात सुनिएगा, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। 9 दिन आप अखंड ज्योत जरूर करें, अखंड ज्योत घी की करनी है। जब आप अखंड ज्योत करें तो घर आपको खाली नहीं छोड़ना है। आप अगर अकेले रहते हो तो कोशिश करें कि आप अपनी मम्मी को, अपनी सास को या किसी भी बड़े को बुला लें जो आपके घर में रह सके। अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, आप अखंड जाप करें, यानी अखंड जाप या भजन माँ के आगे जलाएं और सुबह शाम माँ के आके घी का दीपक जलाएं। माँ को तो बस आपका प्रेम चाहिए, तो आप अगर अकेले रहते हैं तो श्रद्धा से सुबह शाम दीपक जलाएं और अखंड जाप करें। फिर बोल रही हूँ, अखंड ज्योत जला के घर खाली नहीं छोड़ना, अखंड जाप करें। माँ के आने से घर का कोना कोना पवित्र हो जाता है। वैसे तो आपको खुद ही मन में बहुत शांति महसूस होगी, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है कि इन 9 दिन आप अपने घर में किसी प्रकार का झगड़ा ना करें, किसी का अपमान ना करें और घर में सब प्यार से रहें। आप इन 9 दिनों में अपनी गाड़ी में छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट, जूस या फल, कुछ भी खाने का सामान रखें और जो भी छोटे छोटे बच्चे आपको दिखे सड़क पे जब आप जा रहे हैं, स्पेशली छोटी कन्याएं दिखे, तो आप ये खाने की चीजें उन्हें जरूर दें, क्योंकि माँ ना जाने किस रूप में आपको आशीर्वाद दे जाए। 9 दिन बहुत पवित्र होते हैं और इस बार तो और भी अद्भुत नक्षत्र है, तो आपको इन 9 दिनों में जो लेना है वो जरूर ले। नई गाड़ी, नया घर, अगर कोई नया व्यापार शुरू करना है, कोई नया काम शुरू करना है, कुछ भी आपको नई शुरुआत करनी है आप कर सकते हैं, ये सब बहुत शुभ होगा। और क्योंकि इस बार इतना दुर्लभ योग है तो आप गलती से भी इन 9 दिनों में नॉनवेज, अल्कोहल, तो बहुत दूर की बात है, प्याज लहसुन का भी सेवन ना करें, नहीं तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कहीं जाना है तो आप अपना खाना अपने साथ लेकर जाएं, अगर आपने व्रत रखा है अपने फल भी अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि पता नहीं बाहर जाकर किस शुभता से फल काटे गए हैं, तो आप इस बार बहुत ध्यान से शुभता रखते हुए, इससे माँ बहुत प्रसन्न होके आपको आशीर्वाद देंगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। आप इन 9 दिन ब्रह्मचार्य का पालन करें, आप दाढ़ी मूछ जो जेंट्स हैं वो नहीं कटवाएं,
लेडीज और जेंट्स बाल ना कटवाएं और आप इस बार थोड़ी हिम्मत करके पूरे 9 दिन व्रत कर लीजिए। करके तो देखिए, बहुत प्यार से आराम से माँ का जाप करते हुए, माँ का नाम लेते हुए ये 9 दिन आपके व्रत में निकल जाएंगे, क्योंकि ऐसे मौके शायद जिंदगी में एक ही बार आते हैं। आप इस बार बच्चों को भी एक मंत्र की माला करने की प्रेरणा दीजिए। शाम में किसी भी टाइम आप माँ के आगे बिठा के बच्चों को जाप कराएं, मंत्र करवाएं ओम दुर्गाए नमः। फिर बच्चों को बोलें कि ये माला जो है वो गले में पहन लें। उनकी रुचि जो है माँ की और बढ़ेगी और उनका गलत बातों में ध्यान नहीं जाएगा, उनका पढ़ाई में मन लगेगा, उनका जीवन सुधरेगा और उनके जीवन में उनको सफलता मिलेगी। ये 9 दिन हमारे बच्चों को संस्कार देने के भी दिन होते हैं, तो अपने बच्चों से भी आप एक माला मंत्र जाप की जरूर करवाएं। कमेंट्स में अपना नाम और गोत्र देना ना भूलें। सो इसी के साथ मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करें। इन खास नवरात्रों की और बातों के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, vastu and feng shui expert, tarot reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.